अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शेख शफाक और स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल JK जॉब अलर्ट्स में फिर नए एक अपडेट के साथ। और आज का जो अपडेट है वो JKSSB की तरफ से है, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के रिवाइजर सिलेबस के रिगार्डिंग। सो गाइज, आपको मैं बताऊं कि अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि हमने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का जो सिलेबस है इसके बारे में हमने एक वीडियो आपको बताया था। लेकिन सिलेबस को JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिमूव किया गया है। इसको रिमूव क्यों किया गया है और नया सिलेबस क्या है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि जो भी JNK के लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैं आपको बताऊं कि जो प्रीवियस सिलेबस था इसको रिमूव क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस लाने थे इसलिए इसको रिमूव करना पड़ा। और नया सिलेबस क्या है वो आपको मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी भी मेंशन की है, यानी अगर आप पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबल क्या है वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में आपको 50% मार्क्स अगर आप ओपन मेरिट में आते हैं, और अगर आप रिजर्व कैटागरीज में आते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के साथ 45% मार्क्स होनी चाहिए। और उन्होंने यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी मेंशन की है, यानी कि 0.25 आपको हर किसी क्वेश्चन में कट होगा अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया। मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो आपको सही में से एक क्वेश्चन काट दिया जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि सिलेबस में क्या चेंजेस लाई गई है। तो सबसे पहले अगर हम मार्क्स की बात करेंगे तो मार्क्स यहाँ पे सेम ही है 120, और टाइम भी 2 आवर्स सेम ही है। और यहाँ पे टॉपिक देखेंगे तो टॉपिक्स में क्या है, जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू JNK 30 मार्क्स सेम है, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स 10 मार्क्स ये भी सेम ही है, जनरल इकोनॉमिक्स 10 मार्क्स, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 30 मार्क्स, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग 30 मार्क्स, साइंस 10 मार्क्स, टोटल 120 मार्क्स। मतलब कि इसमें कोई चेंजेस नहीं लाई गई है। फिर तो चेंजेस कहाँ पे लाई गई तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे चेंजेस है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जनरल नॉलेज विद सुपीरियर रेफरेंस टू JNK, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनलिटीज, रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, जियोग्राफिक सपोर्ट्स, हिस्ट्री। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गाइज अगर आप प्रीवियस सिलेबस में चेक करोगे तो वहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK। यही वो चेंज है जो इस सिलेबस में लाई गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि आपको अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम्प्लीटली पढ़ना पड़ेगा। प्रीवियस सिलेबस में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK था, लेकिन अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। सो यही एक चेंज है जो इसमें लाई गई है, और बाकी सब इसमें सेम ही है। अगर हम बाकी सब देखेंगे तो वो सेम ही है। सो दोस्तों, मैं आपको इस रिवाइज्ड सिलेबस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगा, वहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए डाउनलोड होने में तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में भी ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हमारी मुलाकात एक नई वीडियो में होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।